दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि Google फॉर्म जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम इस पे कंडक्ट किए जाते हैं और इजीली सक्सेसफुली हम ले भी लेते हैं। लेकिन जब भी बात आती है कोई मैथ्स इक्वेशन को इसमें इंसर्ट करने की, या कोई पर्टिकुलर फील्ड का न्यूमेरिकल आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो वहाँ पे हमारा जो फॉर्म या क्विज़ जो हमने बनाया है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे मैथमेटिक इक्वेशन या किसी पर्टिकुलर फील्ड के आप न्यूमेरिकल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको क्रिएट करके गूगल फॉर्म में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने मैथ कास्ट टाइप करना है। और जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड मैथ कास्ट इक्वेशन एडिटर लिखा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है, कुछ ही सेकंड में ये स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके ईजीली जैसे किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं वैसे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो आप अपने डेस्कटॉप पर देखोगे कि आपके पास मैथ कास्ट का एक ऐसा आइकन आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी, कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे आप एडिट स्क्रीन या न्यू इक्वेशन लिस्ट पे जा सकते हो। तो जब आप इस स्क्रीन को खोलोगे तो आपके पास यहाँ पे दो प्लस के आइकन नज़र आएंगे आपको। तो जैसे ही आप सेकंड आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एडिटर खुल जाएगा जिसके बॉटम लाइन पे आप देख सकते हो बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल हैं। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे मैथमेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है और इसको फिर गूगल फॉर्म पे कैसे लेके जाना है। तो मेरे पास ये कुछ चार इक्वेशन आप देख सकते हो, मैं बारी बारी करके इन चारों इक्वेशन को पहले टाइप करूँगा और फिर इनको हम गूगल फॉर्म में लेके जाएंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसा ही एक इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए मैं फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा और सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 3x+2/2x-4। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 3x+2 और डिवाइड के लिए हम इस तरह का स्लैश यूज़ करेंगे और 2x-4। आप देख सकते हो जो एक्सप्रेशन मैंने लेके आना था वो एग्जैक्ट नहीं बना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से एडिट करेंगे और इसमें हम स्टार्टिंग ब्लॉक और एंड ब्लॉक यूज़ करेंगे, दोनों में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम यूज़ करेंगे और हमारे पास ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है √√2x+1। तो अंडर रूट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2x+1। तो 2x पे अंडर रूट आया, पूरी इक्वेशन पे नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक एंड ब्लॉक और स्टार्टिंग ब्लॉक और एंड ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग ब्लॉक और एंड ब्लॉक हमने यूज़ किया और ये एग्जैक्ट इक्वेशन वैसी ही बन गई। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आप देख सकते हो जो कि इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ होती है, जैसे डेरिवेटिव, इंटेग्रल, साइन, इनको हमने कैसे लेके आना है। तो dy/dx को पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक लेटर से dy, फिर एंड करेंगे, फिर उसके बाद डिवीज़न का स्लैश यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट dx और ब्लॉक एंड। तो एग्जैक्ट इक्वेशन वैसी ही आ गई जैसे मैंने टाइप करनी थी। अब इसमें मैंने इंटीग्रेशन का साइन भी ऐड करना है। आप देख सकते हो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, dy/dx + integral 2x है। तो मैं यहाँ पे फिर एडिट करूँगा यहाँ पे, तो इसके बाद मैं लिखूँगा प्लस इंटेग्रल का साइन हम यहाँ से नीचे से यूज़ करेंगे 2x dx। तो ये हमारे पास बन गया dy/dx + integral 2x dx। इसी तरह यहाँ पर अब मैं डेफिनेट इंटेग्रल को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पहले इंटीग्रेशन को वैसे ही ले लूँगा और यहाँ पर हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इकट्ठा है जो उसको हमने साथ में लेना है। और पहले हमने लोअर लिमिट को यूज़ करना है, हमारी लोअर लिमिट क्या है 1 एंड अपर लिमिट है हमारी 2। तो यहाँ पर हम पहले 1, 2 यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या है देख सकते हो आप, 6x है।
तो यहाँ पर हम 6x लिखेंगे और साथ में आएगा dx, तो मेरी ये एग्जैक्ट इक्वेशन वैसी ही बन गई जैसी वो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये चारों इक्वेशन वैसी ही बन गई। तो ये चारों इक्वेशन को अब हमने गूगल फॉर्म में कैसे लेके जाना है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये स्क्रिप्ट, आपको ये वाले स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहे कि आपने कैसे यूज़ करना है, तो घबराइए नहीं, उसके लिए आप हेल्प में जाइए। हेल्प में जाने के बाद आप यूजिंग मैथ कास्ट उसको ओपन कीजिए और रैपिड मैथ लाइन में आपने जाना है, और जब आप इसको खोलोगे तो आप इसकी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है, डिवीज़न के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है, इंटीग्रेशन के लिए कौन सा करना है, प्लस के लिए करना है कौन सा है, और या फिर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो सुपर स्क्रिप्ट, ओवर स्क्रिप्ट, अंडर स्क्रिप्ट, ये सारा आपने कैसे यूज़ करना है, और थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको अंडर रूट, मॉडुलस, ये सारे सिंबल आपको यहाँ से पता लग जाएंगे कि आपने कैसे यूज़ करने हैं। अब ये चारों इक्वेशन को हम गूगल फॉर्म पे लेके जाएंगे, उसके लिए इसको हम पहले सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए पहले आप इक्वेशन पे जाएंगे, एक्सपोर्ट इक्वेशन करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किया है जहाँ पे मैंने सेव करना है। और जब आप इसको सेव कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि आपने PNG इमेज फाइल को सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपकी फाइल गूगल फॉर्म में नहीं सबमिट होगी। तो जहाँ मैंने सेव कर लिया, इसी तरह मैं नेक्स्ट इमेज को भी सेव कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्ट इमेज पे गया, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने PNG फाइल सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इसी तरह मैं तीसरी इक्वेशन को भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको भी सेव कर लिया। इसी तरह फोर्थ लास्ट वन, तो ये चारों इक्वेशन मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि गूगल फॉर्म पे, अपने गूगल फॉर्म पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने ये इक्वेशन इंसर्ट करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है जिसका नाम मैथ्स क्विज रखा है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, विच इज़ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम एक एक करके अपनी इमेजेस इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड इमेज पे गया, तो मैंने, आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे अपलोड आएगा, और ब्राउज आपने अपलोड पे ही रहना है और ब्राउज पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे जहाँ पर अपनी इमेज को सेव किया, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अपलोड होनी शुरू हो गई है और कुछ ही सेकंड में ये अपलोड हो जाएगी। तो देख सकते हो ऑप्शन 1 के नीचे आपके पास फर्स्ट इमेज अपलोड होगी। इसी तरह सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, सेकंड इमेज को अपलोड करेंगे। तो ब्राउज़ पे गया मैं, ब्राउज़ के बाद डेस्कटॉप पे मेरी इक्वेशन नंबर 2 उसको मैंने सेलेक्ट किया, और वो अपलोड हो रही है, और इसी तरह वो भी सेकंड इमेज भी हमारी अपलोड हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन में सेम वही प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 3 आप देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 में वही थर्ड वाली इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, उसमें भी हम लास्ट वाली इक्वेशन उसी तरह सबमिट करेंगे। तो डेस्कटॉप पे जहाँ पर मेरी इक्वेशन नंबर 4 है उसको मैंने सेलेक्ट किया है, और ये भी हमारी इक्वेशन अपलोड हो गई। तो आप देख सकते हो ये चारों इक्वेशन जो अभी हमने टाइप की थी मैथ इक्वेशन में, वो चारों इक्वेशन यहाँ पर आपकी आ गई। इसी तरह आप अपने गूगल फॉर्म में मैथ क्विज अगर बनाते हो तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी।